हे गाइस, मैं अक्षित कनेडिया बैक विद अनदर मोटिवेशनल वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सीरीज ऑफ बायोग्राफी देने वाला हूँ उन लोगों की जो जीरो से मल्टी बिलियनर बने। मैंने लास्ट टाइम जैक मा की बायोग्राफी दी थी, लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो आज मैं आपके डिमांड पर वर्ल्ड के फर्स्ट सेंटी बिलियनर, हाँ आपने सही सोचा, जेफ बेजोस द फाउंडर ऑफ amazon.com, जिन्होंने अपनी विजन, फास्ट मूवर अप्रोच एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से अपनी कंपनी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाया और वर्ल्ड के सबसे पहले सेंचुरी मारने वाले बिलियनर बने, जिनका आज का पर्सनल नेटवर्थ 188 बिलियन डॉलर्स है। और अगर इंडियन करेंसी के बारे में बात करें तो 14 लाख करोड़ है, जिनकी 1 मिनट की इनकम लगभग 1.5 करोड़ है। अमेरिका में जन्मे एज ऑफ 58 ईयर्स ओल्ड, सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर के 5 सक्सेस फॉर्मूला हम उनकी लाइफ और बिजनेस जर्नी से सीखेंगे, जिसके बारे में हर युवा एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। अगर ये 5 सक्सेसफुल फॉर्मूला हम लोग जेफ बेजोस से सीख लेते हैं तो आप भी इस सदी के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं और आपका भी बिजनेस ग्लोबल बिजनेस हो सकता है। इन 5 सक्सेस फॉर्मूला से जेफ बेजोस ना केवल वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बने बल्कि अपने कंपनी Amazon को 200 से भी ज्यादा देशों में फैला दिया। जेफ बेजोस सक्सेस मंत्रा नंबर 1, इन्वेस्ट इन हेल्थ। जेफ बेजोस कहते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर 7 से 8 घंटा नहीं सोते हैं तो आपका दिमाग सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, साथ साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाएगी। अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें, सब बोलते हैं कि 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी। इलॉन मस्क भी 7 घंटे की स्लीप लेते हैं, बिल गेट्स भी 7 घंटे की स्लीप लेते हैं और वॉरेन बफेट भी 7 से 8 घंटे की स्लीप लेते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करना होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जेफ बेजोस सक्सेस मंत्रा 2 पर, हायर एंड डेवलप ओनरशिप मेंटालिटी स्टाफ और एम्प्लॉई। जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर 50 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि उनमें से किसी भी बंदे में ओनरशिप क्वालिटी नहीं है या ओनरशिप क्वालिटी नहीं आ पाएगी, देन डोंट सेलेक्ट अ सिंगल पर्सन। और कई बार ट्रेनिंग देने के बाद भी उसमें ओनरशिप की फीलिंग नहीं आती है तो उसे तुरंत फायर कर दो। जेफ बेजोस का मानना है कि हमें एम्प्लॉई नहीं ओनर चाहिए। जेफ बेजोस सक्सेस मंत्रा 3, बी अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। जेफ बेजोस कहते हैं कि कस्टमर का हर एक नेगेटिव फीडबैक यू शुड सॉल्व एज सून एज पॉसिबल, ताकि सेकेंड टाइम वो सेम नेगेटिव फीडबैक दोबारा नहीं आए। डेडिकेट योरसेल्फ टू मीट ऑल द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, देन कस्टमर इज योर गॉड एंड कस्टमर इज ओनली द किंग एंड यू आर द सर्वेंट। अगर आप इस फिलॉसफी को अपने बिजनेस में लाएंगे तो आपकी भी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी। जेफ बेजोस सक्सेस मंत्रा 4, कीप फोकस्ड ऑन न्यू रिसर्च एंड ट्रेंड एंड बी अ फर्स्ट मूवर। जब 1994 में जेफ बेजोस एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, तब एक रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आने वाले दिनों में
इंटरनेट 2300 टाइम्स इंक्रीज होने वाली है। तब उन्होंने बिना लेट किए कंपनी से रिजाइन कर डाला और Amazon.com नाम की इंटरनेट बेस्ड कंपनी बनाई। और फास्ट मूवर होने के कारण वह इंटरनेट बेस्ड कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना पाए। अगर आप नेक्स्ट जेफ बेजोस बनना चाहते हैं तो न्यू ट्रेंड पर फोकस रखिए और फास्ट मूवर बनिए। रिस्क लेने की क्षमता रखिए, नहीं तो जिंदगी भर वाइस प्रेसिडेंट ही बनकर रह जाएंगे। जेफ बेजोस सक्सेस मंत्रा नंबर 5, लीडर शुड बी विजनरी। जेफ बेजोस अपने शुरू के समय में अपना प्रॉफिट का अमाउंट अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट और सर्विस देने में खर्च करते थे। तब उनके इन्वेस्टर्स पूछते थे कि जेफ बेजोस, व्हेन विल दिस कंपनी गेट प्रॉफिट। तब वो बोलते थे कि मेरा विजन 3 मंथ या 3 ईयर्स का नहीं है। जिस तरह अमेज़न रिवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, इसी तरह मैं Amazon.com को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ। प्लीज वेट। तब 2000 में .com क्राइसिस आया। तब सभी मीडिया ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि Amazon खत्म हो जाएगा, लेकिन इट वॉज द विजन ऑफ जेफ बेजोस that first create a loyal customer, then in your bad times also they will be loyal. Amazon.com crisis se bahar bhi aayi aur world ki sabse badi company bhi bani aur uske investors ne bhi bahut paise kamaye. Be visionary like Jeff Bezos. Agar aapki company aaj choti hai ya startup hai, so don't worry. Once you have a long-term vision, tomorrow your company will be the global. अगर आप ये 5 success mantra अपने business में 100% implement करते हैं, तो definitely आपकी भी company दुनिया की सबसे बड़ी company बनेगी. And tomorrow I am going to write your biography. If you like my video, make sure to hit that like button and subscribe. It's totally free and you can always change your mind later. And make sure to comment down below on which next business entrepreneur I should make my motivational biography on. Thank you.